हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए, आज बहुत ही सुंदर डिजाइन लेकर आई हूँ मैं। इस डिजाइन को आप स्वेटर में, कार्डिगन में, बच्चों के स्वेटर में, किसी भी प्रोजेक्ट पर डाल सकते हैं। इसका प्रयोग आप बॉर्डर बनाने में भी कर सकते हैं। ये देखिए, टॉप का बॉर्डर बनाए, बहुत ही सुंदर जमेगा। अब मैं आपको इसको बनाना बताऊँगी, ये कैसे बनाया गया है। ये तेरह तेरह यानी कि 13 13 फंदों से बुना गया है और बीच में गैप के लिए हमने 4 फंदे रखे हैं। आप गैप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं आपको बनाना बताती हूँ, ये कैसे शुरू करना है। फर्स्ट रो कैसे डालनी है ये देखिए, इसी के ऊपर मैं अब शुरू करती हूँ। फर्स्ट रो इस प्रकार से डालें, पहले 4 फंदे आप साइड के लिए रखें, फिर इस प्रकार से धागा आगे रखते हुए ये देखिए, यहाँ पर हम पहले जो फर्स्ट रो डालेंगे वो किस प्रकार से डालेंगे। एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, फिर धागा आगे, फिर 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, फिर 2 फंदे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। ये हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक डीपी बनती है। इसमें हमने ये देखिए, फर्स्ट वाला फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, फर्स्ट वाला ये 4 वाला फंदा सीधा, ऐसे ही 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा। अब इस प्रकार से हमने 5 फंदे सीधे रखे हैं, 3 4 5, और बीच के 2 2 फंदे उल्टे रखे हैं। इस तरह से हमने अपनी डिब्बी को स्टार्ट किया है। अब दूसरी बार भी इसी प्रकार से करेंगे। ये देखिए, 4 फंदे बीच में गैप के लिए, धागा पीछे, फर्स्ट फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, ये फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, ये फंदा सीधा, 2 फंदे उल्टे, ये सीधा, ये उल्टे, और ये फंदा सीधा। ये हमारी सेकेंड डिब्बी है। इस प्रकार से आप आगे के लिए डिब्बी पर डिब्बी डाल सकते हैं। ये फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब सेकेंड रो देखिए कैसे करना है। सेकेंड रो हम पूरा उल्टा उल्टा कंप्लीट करेंगे। पूरी रो उल्टा उल्टा कंप्लीट करनी है। बहुत ही सुंदर डिजाइन है और आसान भी बहुत है। बिगनर्स भी इसे आसानी से बुन सकते हैं। इतना सुंदर डिजाइन, ये देखिए। अब आगे देखिए, ये 4 फंदे उल्टे कंप्लीट करने हैं। धागा अपनी तरफ रख के इस प्रकार से बनाएं। ये जो फर्स्ट वाला फंदा है ये सीधा बुनना है और इसके साथ अटैच करके इस उल्टे फंदे को लेना है। ऐसे घुमाया, ऐसे धागा अपनी तरफ रखा है और इन दोनों का एक करेंगे और इसको पीछे की तरफ बुनेंगे। आगे धागा रख के पीछे की तरफ बुनाएं, ऐसे, और छोड़ दें।
फिर आगे धागा करके इस फंदे को उल्टा, इसको सीधा, ये टू फंदे उल्टे, ये फंदा सीधा, ये टू फंदे उल्टे, ये फंदा सीधा, यहाँ पर ये फंदा उल्टा। धागा पीछे करेंगे, ये देखिए लास्ट वाला सीधा फंदा है और ये फंदा हमारा उल्टा है। इन दोनों को इस प्रकार से बनाएंगे, इधर से पहले इन्हें बुनेंगे और फिर पीछे धागा रखते हुए इस फंदे को हम आगे की तरफ बुनेंगे, तो यहाँ भी हमारी जाली आ जाएगी। ये देखिए सीधी साइड फोर फंदे उल्टे बुने, जो ये जाली वाला फंदा था इसको हमने सीधा बुना। फिर धागा आगे करेंगे और फिर ये देखिए अब यहाँ पर हम फंदा नहीं घटाएंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे, इस फंदे को उल्टा बुनेंगे, धागा पीछे करके ये सेकंड वाला जो फंदा है इसके साथ इस फंदे को अटैच करेंगे, ऐसे घुमाया और इसके साथ इसको घटा दिया ऐसे, ये फंदा उल्टा, ये फंदा सीधा, ये फंदा उल्टा। धागा पीछे करके इधर से भी इस सेकंड वाले फंदे को लेंगे जो सीधा है और इसके साथ इस फंदे को घटाएंगे, ये फंदा उल्टा, ये फंदा सीधा, धागा आगे और ये जाली वाला फंदा है तो इसको सीधा बनेंगे। अब बीच में जैसे हमने टू फंदे उल्टे रखे हैं, आप यहाँ पर थ्री फंदे भी रख सकते हैं। थ्री फंदे रखने से हमारी डिब्बी बड़ी हो जाएगी। ये देखिए इस फंदे को सीधा बुनेंगे, इस फंदे को उल्टा बुनेंगे। पहले हमने इस फर्स्ट वाले फंदे पर कटाई की थी, अब सेकंड वाले फंदे पर कटाई करेंगे ऐसे, ये फंदा उल्टा, ये फंदा सीधा, ये फंदा उल्टा, ये यहाँ पर भी दो का एक करेंगे, इस फंदे को सीधा बुनेंगे, ये जाली वाला फंदा है इसके पहले हम जाली डालेंगे और ऐसे सीधा बुनेंगे, फोर फंदे उल्टे बुने जाएंगे। अब उल्टी साइड उल्टा उल्टा कंप्लीट करनी है। पूरी रो उल्टा कंप्लीट करेंगे। बहुत इजी डिजाइन है, बहुत ही सुंदर लगता है बनने के बाद। डिब्बी पर डिब्बियां बनती जाएंगी। उल्टी साइड उल्टा उल्टा कंप्लीट करनी है। अब आगे हम सीधी साइड, ये देखिए फिर से ऐसे ही फोर फंदे उल्टे, धागा पीछे, टू फंदे सीधे, जो जाली वाले दो बड़े हुए फंदे हैं इनको हम सीधा बुनेंगे, धागा आगे करेंगे। धागा आगे करने के बाद अब फिर से हम इस फर्स्ट वाले फंदे पर ही घटाएंगे, इस सेकंड वाले फंदे पर पहले घटाया था, अब हम फर्स्ट वाले फंदे पर घटाएंगे ऐसे, इन दो का एक करेंगे, इसको सीधा बुनेंगे, इस एक फंदा उल्टा, ये फंदा सीधा, ये फंदा उल्टा, ये फंदा सीधा,
अब यहाँ देखिए इन दोनों को एक करेंगे, ये लास्ट वाला है डिब्बी के, फिर धागा आगे करके दो फंदे सीधे बुनेंगे इस तरह से। ये देखिए अगर हम फर्स्ट वाले फंदे पर ही सभी फंदे घटा देंगे तो हमारी डिब्बी एकदम झुक जाएगी, इसलिए अलग अलग सिलाइयों में घटाएं। इस फंदे को ऐसे घुमा लें जिससे चैन हमारी सीधी आएगी, ये फंदा सीधा, ये फंदा उल्टा, ये उल्टा, ये सीधा, और ये इसके साथ अटैच कर देंगे तो ये भी सीधा हो जाएगा। देखिए पूरी रो इस प्रकार से कंप्लीट करनी है। अब आगे हम उल्टी साइड में उल्टा उल्टा कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पर फोर फंदे ये उल्टे बुनेंगे, थ्री फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ। अब ये फर्स्ट वाला फंदा जो है इसका फंदा हमने यहाँ पर घटा दिया है, ये अब सीधा बुना जाएगा। सेकंड वाले फंदे के साथ एक फंदा उल्टा है, अब हम इस उल्टे फंदे को बुनेंगे इसके साथ अटैच करके, ऐसे दोनों को एक करेंगे। ये हमारा सेंटर का फंदा है, इसको सीधा बुना जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर भी एक उल्टा फंदा है, एक सीधा फंदा है, तो अब इस उल्टे फंदे को घटाएंगे। जो इसके साथ उल्टा फंदा था वो पहले हमने यहाँ पर घटा दिया है, ये फंदा अब हमारा अकेला है, सिंपल चलेगा। धागा आगे करके यहाँ पर जाली डालेंगे, तीन फंदे जाली के बुने जाएंगे, फोर फंदे उल्टे, धागा पीछे। ये देखिए 1 2 3, थ्री फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, यहाँ भी ऐसे ही, ये फंदा सीधा, ये फंदा इसके साथ अटैच करके करेंगे। किसी सेंटर का फंदा है, ये दो का एक किया, ये फंदा फर्स्ट वाला है, और ये जाली वाले फंदे हैं जो सीधे बुने जाएंगे, ये फंदा उल्टा बुना जाएगा। ये देखिए इन फंदों के बीच के सभी उल्टे फंदे हमारे घट गए हैं, और उसकी जगह हमने यहाँ पर जाली डाल दी है, और ये डिब्बी हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। और इसी प्रकार से आपको डिब्बी के ऊपर डिब्बी बनानी है तो आपको यहाँ से फर्स्ट रो डालनी होगी, जैसे हमने यहाँ से फर्स्ट रो डाली थी उसी प्रकार से आप भी यहाँ से फर्स्ट रो डालें और ऐसे ही बनाते रहें। अगर आपको हमारा डिजाइन अच्छा लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।